हेलो पीपल, आज हम जा रहे हैं आपको बताने कुछ बहुत ही विशेष। वहां पे काम शुरू हो चुका है बॉम्बे से जो अहमदाबाद की लाइन में। आज थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। आई जस्ट हैव योर ब्यूटीफुल फेस इन फ्रंट यार से हम चल रहे, देख थोड़ा लुक दे, खाए पटच खा रही है। मैम हैज वैलिडेटेड इट। तो संडे विराट इज ऑल संडे मूड है, ऑल गेम्स इज फनी। हेलो पीपल, होप एवरीवन इज डूइंग गुड ऑन संडेस। ब्राइट सन और एक सरप्राइज है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। आज हम जा रहे हैं आपको बताने कुछ बहुत ही विशेष चीज। आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट बुलेट ट्रेन। सो हम जहां रहते हैं वहां से एक 2-2.5-3 किलोमीटर्स पे बुलेट ट्रेन की पासिंग है। व्हेन आई से पासिंग, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। बॉम्बे से जो अहमदाबाद की लाइन है वो हमारे यहाँ से नज़दीक से गुजरेगी। सो वो अंडरग्राउंड है, अबव द ग्राउंड है, आई एम नॉट वेरी श्योर येट, बट वहाँ पर काम काफ़ी दिनों से चल रहा है तो मैंने नोटिस किया था। तो सोचा आप लोगों को उस बारे में आज थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। तो हम चल पड़े हैं संडे के दिन, बज रहे हैं 2:30 और हम आपको दिखाएंगे भी बुलेट ट्रेन्स वर्क। यू नो हु इज अकंपनिंग मी? Hello, darling. Can I just have your beautiful face in front of my camera? Hello. ये हमारी अर्धांगिनी। अरे देखो जरा प्यार से। हम चले। अरे देख थोड़ा लुक दे, खाए पटच खा रही है। बुलेट ट्रेन अपडेट्स देखेंगे कितना काम हुआ है। मेरे ख्याल से L&T काम कर रही है। Oh? Do you remember that? Yes. Ma'am thinks so as well. Ma'am has validated it. तो होगा L&T होगा। नहीं होगा तो L&T को दे देंगे काम। ठीक है, चलो बाय बाय वीरू। Sunday, Virat is all Sunday mood, all gains and money. Your Sigma, Virat is Sigma. Bye. Bye, Viru. और ये रही हमारी XUV, खड़ी है धूप में। So we have opted to get the bullet out after so many days. So ye rahi hamari Urantas 3. तो ये कब से काम चल रहा है यहाँ पर? 6 महीने से काम चालू है। हाँ। 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल के बाद पूछे हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद हमको ट्रेन जाते हैं आराम से। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या है सर? सपन मंडल। वेरी नाइस। आप साइट पे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अभी ये पूरा अंडरग्राउंड जाएगा, ऊपर ट्रेन 120 फीट से नीचे। हाँ, कितना फीट नीचे? 120 फीट के नीचे से अंडरग्राउंड जाएगा। हाँ, सिलपाटा पता है। हम अभी वहीं जा रहे हैं एक्चुअली, यहाँ आपसे मिलके वहीं जाएंगे। तो वहाँ से ट्रेन ग्राउंड से बाहर निकलेगी। वहाँ से ओवरब्रिज जाएगा, ऊपर से जाएगी। मतलब जमीन पे जाते हुए उसके जैसे मेट्रो बनता है उसके ऊपर। तो यहाँ से 120 फीट नीचे जा रही है। ऊपर से जाएगा। प्रवीण जी, हाँ क्या बोल रहे हैं? ये एक वीडियो लॉगिंग है, इन्फॉर्मेशन है। वो आपके इंजीनियर साहब से परमिशन ले लिया हमने, उसी से बात करके बात कर रहे हैं। सी गाइस, वी हैव रीच्ड टू द साइट। ये पूरा सब काम चल रहा है बुलेट ट्रेन का, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। हम साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे सिक्योरिटी से और कोशिश करेंगे कि वील ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन जी। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। देखो बच्चे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, किससे बात करनी पड़ेगी? हमारे बुलेट ट्रेन का है।
बुलेट ट्रेन। तो सिक्योरिटी से बात कर रहे हैं? नमस्ते जी सर, ये बुलेट ट्रेन का है ना, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है ना, तो इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा करनी थी। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है ना, ठीक है, ज्यादा करके हमारा YouTube चैनल है उस पर डालूंगा, लोगों को मालूम पड़ता है ना, अच्छा लगता है, डेवलपमेंट हो रहा है बुलेट ट्रेन। तो दिस इज अ साइट वेयर, तो दिस इज अ साइट वेयर बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, बट ये एलएनटी का काम है, तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं लोग, सेफ्टी अंदर छोड़ेंगे, तो हेलमेट वगैरह पहन के कल जो चीफ इंजीनियर आएंगे उनसे बात करके पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन। हेलो पीपल, वी आर बैक होम। सोचा कि समराइज करते हैं इस आज के विजिट को। हम गए थे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन फास्ट कॉरिडोर, ऐसा कुछ नाम है यार उसका टेक्निकल। सो मज़ा आया, तरह से ना हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ रही है, हम तो बहुत सारी चीज़ें गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बट जब हम ऑन साइट जाते हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह ग्रास कर पाते हो और वो उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने साथ रख पाते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। चार शहर हैं, छह शहर हैं जो बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। जो पहला कॉरिडोर शुरू होगा वो होगा मुंबई अहमदाबाद, उसका डिस्टेंस है 508 किलोमीटर। इसकी स्पीड भी बताता हूँ कि क्या स्पीड में ट्रेन चलने वाली है। तो मुंबई अहमदाबाद के बीच जो स्पीड होगी ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, वो ट्रेन की वो होगी 320 किलोमीटर। मुंबई नागपुर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है, जो है 736 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, उसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर। मुंबई हैदराबाद जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट है, वो है 711 किलोमीटर का, उसकी स्पीड भी सेम 320 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। और फोर्थ रूट जो है वो है पुणे नासिक, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है चारों में, जिसकी डिस्टेंस है सिर्फ 235.15 किलोमीटर, और उसकी स्पीड इन चारों कॉरिडोर में सबसे स्लो रहने वाली है, वो जो कि है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और आप चौंक तो नहीं जाएंगे, बिकॉज आप जानते हैं बुलेट ट्रेन, आई मीन जापान इज़ दी मोस्ट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑपरेशन एंड द एफिशिएंसी ऑफ इट। तो जापान से हम कुछ ट्रेन्स इसी मंथ, लास्ट मंथ 7 तारीख को डिसाइड हुआ है, कुछ करोड़ का, कुछ हज़ार करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें 5 से 7 बुलेट ट्रेन्स हम इसी महीने फाइनलाइज करेंगे, जो प्रिक्योर करेंगे। सो बुलेट ट्रेन्स यहाँ बनने नहीं वाली, उसका रूट बनेगा, बुलेट ट्रेन्स हम बाहर से लेके आएंगे, ऐसा पता चलता है न्यूज़ और जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, मुंबई अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है 508 किलोमीटर 2 घंटे में। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है जिसमें लिमिटेड स्टॉप्स रहने वाले हैं, एक में ऑल स्टॉप्स। सो ऑल स्टॉप ट्रेन वाली जो ट्रेन है वो लेगी 2 घंटे 45 मिनट मुंबई टू अहमदाबाद, टू एंड फ्रो जैसे भी होगा, या तो अहमदाबाद से मुंबई, और जो लिमिटेड स्टॉप वाली है वो पहुँचेगी 2 घंटे में। तो 2 घंटे में तो मज़ा आ जाएगा यार, तो बहुत ट्रेड रूट है, बहुत ट्रैवल होता है, जैसे मुंबई सूरत, मुंबई पुणे, बहुत ट्रैवल होता है बिजनेस की वजह से, बहुत ऐसा लगता है कि एक ही शहर में हम, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट गुड़गांव टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा, गुड़गांव टू नोएडा, ये बड़ा एक सा लगता है ना कि बहुत दूर नहीं है, तो बहुत ट्रेड ट्रैवल है, बहुत बिजनेस के सिलसिले में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत ट्रैवल है। तो मुंबई अहमदाबाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रूट है जो बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करेंगे, और मज़ा आएगा यार। पहली बुलेट ट्रेन ये कह रहे हैं 2026 में शुरू हो जाएगी, बट मैं आज साइट पे गया था, उन्होंने कहा कि 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो दे माइट नॉट बी हैविंग द फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन, बट 2026 में शुरू करने का प्लान है। काम तो बहुत ज़ोरों से चल रहा है, आप देख रहे हो देश में हर जगह, अपने भारत में हर जगह काम बहुत तेज़ी से है। अब छोटे शहरों में चले जाओ, बड़े शहरों में चले जाओ, हर जगह काम है, तो काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, पैसे तो बहुत है यार, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम दुनिया की, पैसे तो कोई कमी नहीं है, तो पैसे बहुत है, काम भी उसी तेज़ी से चल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ अस एंड आर्स, एंड आप अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सपोर्ट करें, बिकॉज आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, इफ़ यू सपोर्ट आर चैनल वी गेट मोर मोटिवेशन, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल, विच गिव्स अस मोटिवेशन टू डू मोर इन्फॉर्मेशन, मोर रिसर्च एंड शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स विच वी वांट टू कवर। थैंक यू वेरी मच गाइस, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।